राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि राधा अष्टमी के लिए अरवी की सूखी सब्जी कैसे बनाई जाती है। तो देखिए, हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया है, ये गर्म होना शुरू हो गया है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हम इसमें किन किन मसालों का इस्तेमाल करेंगे। ये है नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया, अजवाइन। तो हम इनमें केवल इन्हीं मसालों का यूज़ करेंगे। देखिए, तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से अजवाइन डाल दीजिए। 1 से 2 सेकंड के अंदर अजवाइन भुनकर तैयार हो जाएगी। तब तक देखिए, हम सारे मसालों को एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं और पानी डालकर चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि जब हम अरवी में ऊपर से सूखे मसाले डालते हैं तो उन मसालों में एक कच्चापन रह जाता है जो खाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम इन सारे मसालों को पानी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब हम इन्हें तेल में डालेंगे तो इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और अरवी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, इस तरह हिलाते हुए सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हमारा तेल गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर हम ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर डाल देंगे। ये देखिए, ये सारे मसाले इस तेल के अंदर अच्छे से मिक्स करते हुए डाल दीजिए। 1 से 2 सेकंड के अंदर ही ये सारे मसाले भुनकर तैयार हो जाएंगे, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। इसको लगातार चलाते रहिए ताकि मसाले जल ना जाएं। और देखिए, मसाले को हिलाते हुए लगातार चलाते रहें। और हमने इसके लिए अरवी को जो है पहले से ही देखिए उबाल कर रख लिया था। और अब मसाले अच्छे से भुन चुके हैं तो अरवी को हम इसमें कर देंगे शिफ्ट और सारे मसालों को हिलाते हुए लगातार अरवी के अंदर मिक्स करते रहिए। ये देखिए, 1 सेकंड के अंदर ही सारी अरवी मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाती है। और अब गैस को हम कर देंगे बंद और अरवी को लगातार इस तरह से 1 सेकंड के लिए चलाते रहें ताकि मसाले जो हैं अच्छे से इस अरवी के अंदर मिक्स हो जाएं। और अब इस अरवी को हम कर लेंगे एक बाउल के अंदर शिफ्ट। तो देखिए, कितनी जल्दी राधा अष्टमी के लिए सूखी अरवी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।